रायपुर पुलिस ने अवैध शराब बेचने के फ्राक में घूम रहे युवक को 35 बोतल शराब गिरफ्तार की। आपको बता दें कि पुलिस को सूचना मिली थी कि शहर के शास्त्री मार्केट में एक संदिग्ध देखा गया है जो अवैध शराब बेचने की फ्राक में है। सूचना के आधार पर मौके पर पहुंची पुलिस और संदिग्ध को हिरासत में लेकर तलाशी ली गई। तलाशी में युवक के पास से 35 बोतल अवैध शराब की मिली, जिसके बाद युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया है। ये मामला पूरा गोल बाजार का है, जिसमें मुखबिर से सूचना मिली थी कि तनूर तनवीर द्वारा जो पुराने जो चील घर के पास देसी शराब बेचने के फिराक में है, जिस पर जाकर रेड कर रही थी, जिससे उसके पास से 4500 देसी शराब मिला है, जिस पर तनू के खिलाफ 34-2 का मामला गोल बाजार में पंजीकृत किया गया है। आरोपी को रिमांड पर भेजा गया।